हाई एवरी वन, वेलकम टू यू जी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय 24/7। और जैसा कि आपको पता है कि डेली आपकी 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होती हैं, बट टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई बिकॉज टाइम क्लैश हो रहा था। तो अभी आपकी डेली डेली क्लास आपको 12 बजे मिलेगी, और आप रेगुलर बेसिस पे सेशन को ज़रूर वॉच करें बिकॉज आई नो एवरी डे यू आर इम्प्रूविंग, एवरी डे यू आर लर्निंग, एवरी डे यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन ऑल्सो, राइट। सो आज के इस रूल में जो कि रूल नंबर 44 है, डे नंबर 44 है, इसमें हम कवर करने वाले हैं दो वर्ड्स। एक वर्ड होता है फेयरली और एक वर्ड होता है रादर। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एडवर्ब की, किसकी, एडवर्ब की, तो एडवर्ब के मल्टीपल टाइप्स होते हैं जिसमें से एडवर्ब की पॉजिटिव और नेगेटिव्स को भी डिफाइन किया जाता है। तो फेयरली एक ऐसा वर्ड है जिसे आप कंसिडर करते हो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में, राइट। और रादर जो है आपका वर्ड वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन में यूज होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन में। तो बस छोटा सा डिफरेंस है, फेयरली इज ऑलवेज यूज विद द पॉजिटिव वर्ड्स एंड द पॉजिटिव सेंटेंसेस, वेयर एज आप रादर का यूज जो है वो नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, राइट। सो आप रूल क्या लिखेंगे, रूल नंबर वन इसका है फेयरली इज ऑलवेज यूज विद पॉजिटिव वर्ड्स, वेयर एज rather is always used with negative words. Okay, done. Now, just suppose मैंने लिखा it was dash it was dash good for me, he was dash cheated, ठीक है। तो अब अगर आप दोनों सेंटेंसेस को देखें तो ऑल्दो यहाँ पर आपको नो नॉट जैसे वर्ड्स दिखाई नहीं देंगे नेगेटिव के लिए, बट फिर भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला इट वॉज डैश गुड फॉर मी, ठीक है, तो गुड फॉर मी क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है गुड, सो वी कैन से दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। वेयर एज इफ वी लुक एट द वर्ड चीटेड, सो चीटेड इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट। सो नेगेटिव के साथ क्या यूज करना है, रादर। वेयर एज फेयरली के साथ क्या यूज करना है, फेयरली के साथ आपको यूज करना है पॉजिटिव वर्ड, है ना। सो गुड पॉजिटिव वर्ड है, चीटेड नेगेटिव वर्ड है। अब आप यहां पर लगा दीजिए कहां पर रादर आएगा और कहां पर फेयरली आएगा। तो मैं बोलूंगी इट वॉज फेयरली गुड फॉर ही वॉज रादर चीटेड। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, आप मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या आएगा, ठीक है। सेंटेंसेस थोड़े से बड़े दे देंगे, वी वर लुकिंग फॉर सर्टेन थिंग्स दैट कैन हेल्प अस आउट बट वी वर डैश अन fortunate, ठीक है ना। अब आपको इस वर्ड को देखते हुए यहां पर बताना है कि क्या आएगा, fairly की rather। So I am waiting you for all of you कि आप मुझे after the video comment section में answer जरूर करें, और आप मुझे video after the video section ये जरूर बताएंगे कि आप लोग daily basis पर notes बना रहे हैं ना, daily basis पर आप learn कर रहे हैं इसको या नहीं कर रहे हैं। सुबह के 11 बजे वाले sessions में हम इनका revision भी करते रहेंगे ताकि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से revise भी हो जाए। तब तक के लिए bye bye, take care and God bless you all।